20 फरवरी से 26 फरवरी तक होगा 48वां खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन। इस दौरान कई खास मेहमान मौजूद रहेंगे, जिसमें कई देशों के राजदूत भी शामिल होंगे। विश्व विख्यात कलाकार देंगे अपनी प्रस्तुतियां। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा और संस्कारों के लिए समर्पित, संस्कारों के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले स्वर्गीय पंडित उद्धव दास मेहता की पुण्यतिथि पर आज उनकी प्रतिमा के समक्ष मुख्यमंत्री ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में डिजिटल सहायता अभियान को लेकर आयोजित जिला प्रभारी एवं सोशल मीडिया विभाग की बैठक में शामिल हुए। इस अवसर पर वरिष्ठ नेतागण भी उपस्थित रहे। राज्यपाल मंगूभाई छगन भाई पटेल ने पन्ना जिले के ग्राम मंडला में रिस्पॉन्सिबल सेमिनार परियोजना प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र का अवलोकन किया। इस अवसर पर उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी मौजूद रहे। पन्ना जिले के ग्राम मंडला के स्थानीय निवासियों द्वारा पर्यटकों के लिए घरों में होटल जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, जिसमें पर्यटकों को पारंपरिक व्यंजन भी दिया जाता है। नवाबी काल में बने हमीदिया अस्पताल के पुराने भवन से अब जल्द ही मरीजों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नए भवन में उपचार मिलेगा। शनिवार को इस नए भवन में पूजा अर्चना कर सामान शिफ्ट कराया गया। 21 फरवरी सोमवार को श्रृंगेरी शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य द्वारा अनुग्रहित श्री शंकर भारती महास्वामी का मंडलागमन हो रहा है। वे शाम 4:30 बजे सत्कार सेलिब्रेशन पहुंचेंगे और शाम को रपटा में महाआरती में शामिल होंगे। 20 फरवरी को पुलिस लाइन मंडला स्थित सामुदायिक भवन में पुलिस जवानों, अफसरों एवं उनके परिजनों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में फिजियोथेरेपी की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। मंडला में हुआ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का प्रांतीय अधिवेशन, कुंभ स्थल में हुआ आयोजन, अब खुद अपनी सरकार बनाने का लिया संकल्प, भाजपा और कांग्रेस पर लगाया आदिवासियों के शोषण का आरोप। रजा उत्सव में प्रतिभागियों का उत्साह वर्धन करने पहुंची मंडला कलेक्टर हर्षिका सिंह। पद्म विभूषण चित्रकार हैदर रजा के 100वें जन्मोत्सव पर कला वीथिका में हो रहा है आयोजन।